और नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश सर्वे ने नाला सफाई को लेकर विभिन्न क्षेत्रों का सघन दौरा किया। जिन क्षेत्रों में बारिश की वजह से जलभराव की समस्या होती है, उन क्षेत्रों के बड़े नालों को प्राथमिकता क्रम पर सफाई कराई जा रही है। इंदुवाईटी के समीप स्थित नाले का निरीक्षण निगम भिलाई के आयुक्त ने किया। नाले से कचरा निकालकर इसका चौड़ीकरण किया जा रहा है। आयुक्त ने पुल के नीचे के मलबे को हटाकर विस्तृत सफाई करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए, जो पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने बीएसपी क्षेत्र के नाले का भी निरीक्षण किया। जलकुंभी की वजह से नाला का यह पानी माइलस्टोन स्कूल के समीप स्थित पुल में जमा होकर बारिश के दिनों में जाम हो जाता है। आयुक्त ने बीएसपी प्रबंधन को नाला सफाई के लिए पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अभी से जलकुंभी को हटाकर विस्तृत सफाई की जाए और बारिश के दिनों में अनावश्यक परेशानियां लोगों को ना उठाना पड़े। देखिए, नालों की सफाई को लेकर हमारे यहाँ जो भिलाई निगम कमला है, वो माननीय महापौर के निर्देश पर अभी बड़े नालों को टारगेट कर रहा है और इसकी जो नियमित मॉनिटरिंग है वो आयुक्त महोदय स्वयं कर रहे हैं। एक्चुअली जब भी मॉर्निंग विजिट होता है तो आयुक्त महोदय नाला का निरीक्षण सफाई को लेकर करते हैं और जो निर्देश दिए हैं उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका फील्ड में मॉनिटरिंग करते हैं। इसी के तहत में जो है इंदु आईटी का नाला सभी को संज्ञान में होगा कि वहाँ पर में जल भराव की स्थिति बारिश के दिनों में होती है। इसको लेकर के निगम ने बेहतर प्लानिंग वहाँ पे किया हुआ है। एक अलग से दो तीन नालियों का जो फेस दिया हुआ है, अलग से एक नाली का निर्माण का चौड़ीकरण किया गया है ताकि वो निकल जाए। दूसरा एक बड़ा नाला है जो उसका चौड़ीकरण किया जा रहा है। पुल के नीचे में बहुत सारे मलबे जमे हुए हैं, उस पुल के नीचे की सफाई बेहद आवश्यक है। उसको देखते हुए उस नाले की सफाई की जा रही है। चूँकि दो साइड से वो नाला आता है और एक सिंगल साइड से निकलता है, इसलिए जल भराव की वहाँ पर ज़्यादातर दिक्कतें होती हैं, जिसको लेकर बिफोर प्लानिंग जो है वो निगम कर रहा है। और कोसा नाला की बात करें तो वहाँ पर भी जो निचली बस्तियाँ हैं जो कोसा नाला की, उन नालों को फोकस कर वहाँ पे जितनी भी ऐसे कचरे फंसने की संभावना होती है उनको क्लियर किया जा रहा है। अभी हमने हाईटेक पद्धति से काम किया है, इसमें चैन माउंटेन का उपयोग किया है। नाला में चैन माउंटेन उतर जाता है और जितने भी ऐसे गंदगी हैं उनको निकाल करके वो बाहर करने का काम कर रहा है। और नियमित रूप से जो जितने भी ऐसे तेल्हा नाला हैं और इस प्रकार के नाला हैं, बड़े नाला जो हैं, उनकी सफाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो वार्ड मोहल्ले में हैं उनके नालियों की सफाई की जा रही है, ताकि बारिश के दिनों में जहाँ पे जल भराव होता है वैसी दिक्कतें ना हो। और जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जो जल भराव वाले क्षेत्र, उनकी लिस्टिंग करके उनमें साफ सफाई करने का जो है वो काम किया जा रहा है। महापौर नीरज पाल ने बारिश से पूर्व सभी बड़े नालों और छोटे नालियों की सफाई करवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हुए हैं। इसी कड़ी में नालों की सफाई बारिश के पूर्व युद्ध स्तर पर की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।